दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात सेंटर मरकज में शामिल हुए लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने पर राजस्थान में आए सभी जमात के सदस्यों और मरकज और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में जाकर आए सभी लोगों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। ये कहना है पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव का। यादव ने बताया कि अब तक अन्य राज्यों से लगभग 350 और राजस्थान के विभिन्न जिलों के 183 और 5 नेपाल के नागरिकों के राज्य के 13 जिलों में आने की जानकारी मिली है। इनमें झुंझुनू, बीकानेर, दौसा, अलवर, टोंक, श्रीगंगानगर, भरतपुर, करौली, जोधपुर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर शहर शामिल है। संभव है कि अन्य राज्यों से आने वाले तबलीगी सदस्य दिल्ली के मरकज के संपर्क में आए हों, इसलिए सावधानी बरतते हुए इन लोगों की स्क्रीनिंग कर मेडिकल आइसोलेशन और क्वारंटाइन की कार्रवाई हेतु संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा भी और हमारे द्वारा भी नागरिकों से अपील की गई है कि संक्रमण को देखते हुए राज्य व्यापी लॉकडाउन का आदेश इस समय जारी है, उसकी पालना करें। ये सभी के हित में है, सभी के लाभ के लिए है। उसको यथासंभव उसके साथ साथ अपने जो हेल्थ संबंधी उनके एडवाइजरी जारी की गई है उनकी भी पालना करें, तो सीमित अवधि में हम निसंदेह जो उसका उद्देश्य है उसको हासिल कर पाएंगे।